अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमने की थी कुछ शॉपिंग, जो कि ज़्यादातर हमने जो है ना ग्रोसरी शॉपिंग ही की है, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें ली है, जिसमें सिंगाड़ा है, शकरकंदी है, कॉर्न है, शिमला मिर्च है, धनिया है, और इसके अलावा कुछ फ्रूट्स भी थे, डिफरेंट काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये तो सारी ग्रोसरी शॉपिंग थी, इसके अलावा भी हमने अपने लिए भी कुछ शॉपिंग की थी। और यहाँ नवाल जो है गंडेरी अपने लिए वॉश भी कर रही है खाने के लिए। तो अब यहाँ सुबह सुबह हो चुका है मेरी चाय का टाइम, और साथ ही यहाँ बन रहे हैं सिंगाड़ा और शकरकंदी। तो यहाँ शकरकंदी और सिंगाड़ा दोनों जो है ना स्टीम हो रहे हैं, मुझे लगा शायद ये बॉयल हो रहा है, तो ये शायद रेडी है। तो इसे हम टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि ये रेडी है या नहीं। ये रहा, ये तो बिल्कुल तैयार नहीं है, मगर मेरी चाय यहाँ कच्चा है, मगर मेरी चाय यहाँ बिल्कुल तैयार है सूप। तो सिंगाड़ा जो है इस वक्त यहाँ रेडी हो चुका है, तो शकरकंदी को बनने में अब भी टाइम है, तो इसे हमने कुछ देर तक और मजीद स्टीम किया। मेरी चाय जो है अब तक ये पड़ी है, ठंडी ही नहीं हुई, मैंने पी ही नहीं है अपनी सुबह की चाय। साथ ही मैं देख रही हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी, जो कि मेरा फेवरेट ड्रामा है। इसके अलावा कोई इंडियन ड्रामा कुछ खास हम नहीं देखते, और पाकिस्तानी भी नहीं, बस ये है वन एंड ओनली, तो यही हम जो है वो सभी खाना पीना चल ही रहा था। यहाँ आ गई है हमारे पास कुछ एक बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ें, जिसमें है सबसे पहले ये आंवला, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और है स्टार फ्रूट, जो ये बहुत ही ज़्यादा खट्टे होते हैं हद से ज़्यादा। और इसके अलावा एक ये था नए किस्म का एक फ्रूट था, जो हमने खैर फर्स्ट टाइम ही देखा था, तो ये भी ले आए थे टेस्ट करने के लिए कि ये कैसा होता है। तो ये भी मतलब खट्टा खट्टा ही था फ्रूट, तो इसे भी जो है हमने ट्राई किया। स्टार फ्रूट जो है हमने पहले भी खाया हुआ था, उसका हमें पता था, मगर बहुत ज़्यादा खट्टा था वो भी, तो ये वाला भी जो है खट्टा ही था, मतलब ये इतना ज़्यादा नहीं था स्टार फ्रूट के मुकाबले, तो कुछ भी नहीं था, स्टार फ्रूट बहुत ही ज़्यादा था। तो वो किसी ने खाया भी नहीं, वो जो है आखिरकार मुझे खाना पड़ा, किसी ने भी नहीं खाया था, तो वो भी बहुत अच्छा। शकरकंदी यहाँ तैयार हो चुकी है, मगर ये मैंने नहीं खाई थी, क्योंकि उसी वक्त ही मैंने स्टार फ्रूट खाया था और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ और खाने की। तो अब यहाँ नवाल फिर से ले आई है गंडेरी, तो मैं ये खाने लग गई थी, बस खाना पीना ही चल रहा था मेरा। और इसी में इसी दौरान अब मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के घर, तो कुछ कुरान खानी थी मुझे, वहाँ जाना था, तो वहाँ मैं चली गई थी, और काफ़ी देर के बाद मैं वहाँ से आई थी, तो मेरे स्टूडेंट भी आ चुके थे। आने के साथ ही जो है मैंने सबसे पहले अपना ये काम किया, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो इनाया यहाँ सवाल कर रही है एडिशन, और अपने बाकी स्टूडेंट्स को भी मैं ही पढ़ा रही थी, क्योंकि आजकल लगातार मेरा कहीं ना कहीं जाना हो रहा है, तो मेरे स्टूडेंट जो है ना थोड़ा शेड्यूल आउट है उनका भी, तो बस जो है आने के साथ ही मैंने सबसे पहले उन्हीं के साथ बैठी उन्हीं को पढ़ाया। इनाया यहाँ कर रही है अपने एडिशन के सवाल, काउंटिंग वो फिंगर्स पर कर रही है, कभी हम भी ऐसे ही करते थे। खैर, और यहाँ मैंने अपने लिए मंगवा लिया है पानी, मुझे इतनी प्यास लग रही थी कि बस घर आने के साथ ही सबसे पहले जो है ना मैंने पानी मंगवाया अपने लिए, वो भी नवाल से, मैं तो आने के साथ ही यहीं बैठ गई थी। तो बस अब जो है यहाँ मैं फाइनली, अब मेरे स्टूडेंट भी जा चुके हैं, नवाल दिख रही है शॉर्ट्स, और मैं इंजॉय कर रही हूँ ये ड्रिंक। तो अब यहाँ बन रहा है पिज़्ज़ा पराठा, और ये है चावल यहाँ पर गर्म हो रहे हैं साथ ही साथ, तो रात के खाने की तैयारी हो रही है। तो ये रहा यम्मी सा पराठा, एक तैयार हो रहा है, एक बन चुका है, और साथ ही साथ सभी यहाँ पर बन रहे हैं, कीमा यहाँ पड़ा है, और ये रही सभी टॉपिंग पिज़्ज़े पराठे के लिए भी, और ये रहा उसका डो, बस पराठा ही होता है नॉर्मल सा, बस उसमें हम ये दोनों चीज़ ऐड करते हैं, चीज़ है ये दोनों, और ये है कीमा, और ये बाकी की सारी चीज़ें, इसमें ऑलिव्स वगैरह नहीं ऐड करते, वो स्पेशल भी वो है जो सालन हमने बनाया, सालन खाने के लिए। हाँ, सालन बनाया था, तो वो सालन बच जाता है, तो फिर हम ना सालन से ज्यादा कीमा पराठा अच्छा लगता है, पराठा अच्छा लगता है, तो बस हम उसमें ये और चीज ऐड करके मजेदार सा पिज्जा बना लेते हैं। यहाँ जो है सभी के लिए खाना तैयार हो चुका है, ये एक बन रहा है लास्ट, और ये तैयार, और ये है सेकंड लास्ट जो कि है मेरा। तो बस अभी जो है मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी सिलाई करने के लिए, तो बस वो भी मैं दिखाऊंगी कि मैं आज कौन सा सूट सिलाई करने वाली हूँ। मैंने सूट सिलाई किया वो आपको मिलेगा कल के व्लॉग में देखने के लिए, तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं, फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। A lot of things in my life.